कि देखिए इधर ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो ये हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x को लिखेंगे, 1 की जगह पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई, और ये हमारा हो जाएगा टर्म साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम टी मान लेते हैं, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टर्म हमारा डी टी। तो ये हमारा देखिए क्या हो गया, अब यहां पर ये जो टर्म है वो हमारा किसके डी टी के इक्वल है और इसको हमने टी माना है, तो ये हमारा हो जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल टी टू द पावर माइनस टू डी टी, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस वन अपॉन टी, और टी हमने किसको मान रखा है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो यही हमारा आंसर है।